हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। फोटोशॉप में हम यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के बारे में बता दिए थे। अब वर्टिकल टाइप टूल के बारे में जानते हैं, क्या है वर्टिकल टाइप टूल। जैसे हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। अब ये वर्टिकल टाइप टूल लेते हैं, क्लिक किए। अब ये यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये वर्टिकल लिखाएगा, ठीक ठीक है। इस तरीके से अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं। अगर साइज छोटा करना है आपको, तो आप यहाँ से साइज छोटा कर लीजिए। के बाद यहाँ पे आपका ये फॉन्ट है, अलग अलग देख लीजिएगा आपको कौन सा फॉन्ट रखना है, कौन सा फॉन्ट नहीं रखना है। जैसे हम यहाँ पे कोई एक फॉन्ट ले ले रहे हैं, इस तरीके से। और भी यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट है, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से कुछ बना रहे हैं, कुछ डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें ये फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज्योति देव का है, इसके बाद रेगुलर ऑब्लिक गोल्ड। और यहाँ पे जैसे हम रेगुलर कर रहे हैं तो ये है, ऑब्लिक करते हैं तो ये हल्का तिरछा हो जाता है, यानी कि इटैलिक है। ऑब्लिक बोल्ड और इसके बाद बोल्ड ऑब्लिक, ठीक है, इस तरीके से। ये मालूम है कि आपको यहाँ से साइज बड़ा या फिर छोटा होगा। क्या यहाँ पे देखते हैं शार्प करते, देखिए नॉर्मल हो गया है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं दिख रहा। क्या धमनान करते हैं तो देखिए हल्का यहाँ पे टेढ़ा दिख रहा है, शार्प करते हैं अच्छा हो गया। क्रिश लगभग सेम ही है, स्ट्रॉन्ग। ये बात है स्मूथ, देखिए तो ये अलग अलग है। आपको ये कहाँ पे रखना है, ऊपर से, ये नीचे है, सेंटर में है, और ये एकदम टॉप पे है। इसके बाद आपको अगर यहाँ पे देखिए फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से कोई एक कलर ले सकते हैं। जैसे हम ओके करते हैं और कहीं तो और क्लिक करते हैं, देख इस तरीके से ये कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए आर्क। अब इसमें भी आपको जितना बढ़ाना है आप बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए। आर्क लोअर तरीके से, आर्क अपर, आपको कैसे रखना है आप अपने तरीके से देख सकते हैं। फ्लैग टाइप का है ये, और जैसे हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, तरीके से एक साइड इसका छोटा होगा, एक साइड बड़ा होगा कॉर्नर। इस तरीके, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ये आपको यहाँ से कैरेक्टर है। जैसे हम यहाँ से ऑन किए थे, विंडो पे गए थे, कैरेक्टर पे गए थे, और यहाँ से ये ऑन हो गया। इसके बाद आपको कितना रखना है इसका परसेंटेज, वो आप देख लीजिए। जैसे हम 50 कर लेते हैं, इस तरीके से इसका स्पेस रहेगा। अगर हम 200 करके देख रहे हैं, इतना लंबा चला जाएगा। हम 75 करके देखते हैं, इस तरीके से। तो आपको ये वर्टिकल जो ये लिखा रहा है, इसके बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए, कितना आपको वर्ड जो है एकदम कटा हुआ रहना चाहिए, ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं, कितना चाहिए, ठीक है। ये और भी ज्यादा लिखा जाए तो ये इसके बीच का इस हॉरिजॉन्टल टाइप का है, तो वो आप दे सकते हैं आपको कितना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से स्पेस रख सकते हैं आप। कलर वगैरह चूज करना है, कलर चूज कर लीजिए। जैसे हम ग्रीन करते हैं, ऊपर करते हैं, हटाते हैं, देखिए इसका आप यहाँ से भी कलर चेंज हो गया होगा, और ये तो मालूम ही है।
जैसे हम ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ये जितना वर्ड है सब कैपिटल होगा, बोल्ड है, इटैलिक है, फर्स्ट कैपिटल, बाकी सब इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, अंडरलाइन, और ये स्ट्राइक है, बीच से लाइन कटा हुआ, ठीक है, हटाना है, सबको हटा सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये स्मूथ रखना है वर्ड को, किस तरीके से रखना है। तो ये था वर्टिकल टाइप टू। अब आगे इसमें है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टू और वर्टिकल टाइप मास्क टू, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर इस वर्ड को आपको मूव करना है तो कंट्रोल के साथ टी बटन कीजिए और इस तरीके से आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।